हेलो फ्रेंड्स, जय गणेश। मैं हूँ मनसा। मनसा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सूजी के लड्डू, जो कि बहुत टेस्टी होंगे, लेकिन वो बिना चाशनी और बिना मावा के होंगे, पर होंगे बहुत बढ़िया। तो चलिए बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमको इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये है सूजी, जो कि मैंने एक कटोरी ली है। ये है मलाई, ये है नारियल का बूरा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने। ये है घी 2 चम्मच, और ये है चीनी का बूरा, जो कि अगर चीनी का बूरा अगर आपके पास ना हो तो आप चीनी पीस भी सकते हैं मिक्सी में। चलिए हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे। जब हमारी कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाएगी, फिर हम डालेंगे घी। ये हम घी ऐड कर देंगे। ये हमारा घी अच्छे से गरम हो गया है। अब हम फ्लेम थोड़ी सा धीमा करेंगे, मीडियम फ्लेम में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। और फिर हम उसमें डालेंगे ये सूजी, जो कि मैंने अच्छे से साफ कर ली है। सूजी का साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम में धीमे धीमे अच्छे से भून लेंगे। इसको गोल्डन नहीं करना है, ये हल्की सी बस होगी, ब्राउन ब्राउन सी बस हो गया, क्योंकि लड्डू तभी अच्छे लगेंगे ना जब ये वाइट वाइट से रहेंगे। हल्की ब्राउन होगी और फिर हम बंद कर लेंगे। ब्राउन भी नहीं होगी, बस ये अच्छे से गर्म हो जाए, अच्छे से सिक जाए बस, ज़्यादा इसको नहीं भूनते हैं, और धीमी धीमी आंच में ही भूनी है ना। तो हम इसको अच्छे से आराम से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। ये जब अच्छे से भुनने लगती है, रोस्ट होने लगती है, तो ये खुद ही समझ में आ जाता है यार। अच्छे से भून लेंगे। इसको ज्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है, नहीं तो ये हमारे जलने का भी डर रहता है। सूजी आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, या बारीक वाली भी ले सकते हो, मोटी भी ले सकते हो, सूजी से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हल्की हल्की भूनना शुरू हो गई है ना। इसको अच्छे से भून लेंगे, फिर हम उसके बाद मिलाएंगे। आगे भून तो लें, फिर बताते हैं क्या मिलाना है। देखिए अच्छे से भूनना शुरू हो गई ना, ये अच्छे से हमारी भून रही है। इसको ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, काली वाली वो हलवा वाली नहीं भूनना है, इसको हम लड्डू वाली ही भूनेंगे, क्योंकि हलवा वाली जो भूनते हैं तो वो तो लाल होनी ज़रूरी होती है ना, तभी हमारा हलवा अच्छा लगता है। इसको हलवा वाली नहीं, सिर्फ हम अच्छे से इसको पक जाए, मतलब भुन जाए अच्छे से, बस वही करना है, लाल नहीं करना है, वो जो हो जाती है ब्राउन ब्राउन से वो नहीं करेंगे। फ्लेम का ध्यान रखेंगे कि वो बिल्कुल पहले गर्म हो, फिर हम उसको धीमा कर लेंगे बिल्कुल, फिर धीमे धीमी आंच में फिर हम उसको अच्छे से भून लेंगे या रोस्ट कर लेंगे, एक ही है भाई। ये देखिए जब हमारी अच्छे से हल्की हल्की होने लगे, फिर हम इसमें डाल देंगे क्या, ये देखिए आगे देख लें अच्छे से होने लगी ना। ये देखिए होने लगी ना, एक एक दाना खिला खिला सा दिखने लगता है।
तो फिर हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने वो लिया था ना नारियल का बुरादा बूरा, वही ये आप मार्केट वाला भी ले सकते हो या फिर घर में भी जो नारियल होते हैं उसको भी किस के इसमें मिला सकते हो। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, नारियल का ये जो बूरा होता है ना इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमारी भुनने लगी है अच्छे से, इसमें हमने नारियल का जो बुरादा मिलाया था ना वो भी अच्छे से इसी के साथ में भुन जाएगा, क्योंकि अलग से हम नारियल का बुरादा वो करेंगे तो बहुत सॉफ्ट होता है, थोड़ी छोटा छोटा सा होता है तो उसका जलने का डर रहता है, इसलिए हम इसको साथ में वो कर दिया। अब इसी में हम थोड़ी सा घी डालेंगे, थोड़ी सा और इसी में, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर अलग से भी आप इसको भून सकते हो ना। इसी में मिला देंगे ड्राई फ्रूट, जो कि ये भी साथ में हो जाएगा भून जाएगा, रोस्ट हो जाएगा ये भी अच्छे से। आप चाहें तो इसको अलग से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, रोस्ट हो जाएगा अच्छे से इसी के साथ में, और साथ में हमारा ये जो नारियल है वो भी अच्छे से हो जाएगा, ये ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से हो जाएंगे, है ना। फिर हम इसके बाद डालेंगे, क्या डालेंगे अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची डालने के लिए, एक एक से डालेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया ना, ये इसका कलर ये देखिए बिल्कुल खिली खिली हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, मतलब ये हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई सूजी, है ना। अब हम करेंगे, अब हम डालेंगे ये क्या है, ये है बूरा, ये बूरा है मार्केट में मिलता है चीनी का बूरा, ये तो आप ये डाल सकते हैं या फिर आप वो चीनी पीस के डाल सकते हैं, मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए और फिर मिला दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करिए, कम या ज़्यादा, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है किसी को कम, है ना, उस हिसाब से ज़्यादा कम भी नहीं करिए, नहीं तो फिर बनने में थोड़ी सा दिक्कत होगी। फिर हम इसी में मिला देंगे, ये तो थोड़ी लड्डू हैं तो थोड़ी से मीठे ही अच्छे लगेंगे ना, फीके फीके तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो आप जितनी सूजी लीजिए उसी के हिसाब से बूरा लीजिए। ये थोड़ी सी बची हुई थी, मैं और ऐड कर देती हूँ इसको, ये फ्लेम हम बिल्कुल अब स्लो कर देंगे, जलने का डर रहता है ना, सूजी बड़ी जल्दी हो जाती है, फिर एक बार अगर अच्छे से हो गई तो फिर उसको जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हम चलाते हुए अच्छे से इसको भी उकड़ेंगे। ये शक्कर जब अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी इसमें तो ये बंधी बंधी सी अलग ही लगने लगेगी, अच्छे से मिला देंगे। फिर हम इसके बाद ये देखो कहीं कहीं शक्कर दिख रही है ना उसका, ये बुरादे का गिल्टी सी, ये देखो इसको ऐसे अच्छे से फोड़ते हुए मिला देंगे, मिक्स करेंगे। इसमें हम इलायची का पाउडर भी मिला सकते हैं, इलायची पीस के, उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा, बाद में मिला देंगे, ठीक है। मिल गया ना, अब हम इसमें मिलाएंगे ये क्या है, ये मलाई वाला दूध है ना, इसके हिसाब से मिलाएं, ज़्यादा भी ना हो जाए। ये मलाई वाले दूध से ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसमें ना तो आपको चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी और ना मावा की ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
आप एक बहुत इजी है, बहुत सिंपल, जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे आप इसको झटपट बना सकते हैं। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, आप उनको बना के खिलाइए, खुश हो जाएंगे बच्चे। ये थोड़ी सा ऐसे गीला गीला सा लग रहा है ना, थोड़ी सा ठंडा होगा तो ये अपने आप थोड़ी सा सूख वो हो जाएगा। इसको थोड़ी सा और डालते हैं, देख बनते बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और टाइम भी बहुत कम लगता है, कभी भी आप बना सकते हो। झटपट बनने वाली आइटम है लड्डू। अब हम इसमें, जैसे खोवा नहीं है ना, तो हम इसमें क्या मिला देंगे बताती हूँ मैं आपको ना। हम इसमें मिलाएंगे ये ना दूध पाउडर, इससे जो टेस्ट आएगा ना बहुत बढ़िया आएगा, इससे टेस्ट बहुत टेस्टी बनेंगे। हमने ये मिलाया ना दूध पाउडर, इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और वैसे भी सूजी के लड्डू तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है ये। आप बहुत जल्दी, अब हम इसको थोड़ी सा 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब जो अभी गर्म है वो थोड़ी ठंडक निकल जाए, फिर हम इसको बांधना शुरू करेंगे। ठीक है, सूजी अब हमारी ठंडी हो गई है, ठंडी नहीं हुई है, मतलब ना तो ज़्यादा ठंडी है और ना गर्म है, मीडियम वाला है। ये देखो अच्छी हो गई है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। चलिए अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए हम इतना लड्डू लेंगे और ऐसे करते हुए ये देखिए बन गए ना, ऐसे बनाने हैं लड्डू। ये लड्डू 3-4 दिन अच्छे से हो जाते हैं, 3-4 दिन के लिए। ये देखिए ऐसे ऐसे बना लेना है, बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत आसान है इनको बनाना, दो हाथ की जरूरत भी नहीं है। मैं तो दो हाथ लगा रही थी तो एक हाथ में भी बन जाएगा। ये देखिए बन गए ना, बहुत आसान है इनको बांधना, ये फैलते नहीं हैं बनाने में, जैसे और भी लड्डू बनाओ तो उनको जोड़ लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, वैसे नहीं है ये वाले, ये बड़े आराम से बन जाते हैं। ये देखिए ये देखिए हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, जो कि बिना चाशनी और बिना मावा के बने हुए। ये हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए, जो कि बिना चाशनी और बिना मावा के बने हैं, और इनको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।